हेलो एवरीवन, मैं अदिति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ मंचूरियन बनाने की रेसिपी, जो कि मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं, घर में हम लोग बजट में बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मंचूरियन कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं रेसिपी बनाने की तरफ। तो पहले चाहिए मैं पत्ता गोभी वाला मंचूरियन बना रही हूँ। इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप लोग चाहे तो कद्दूकस से घिस भी सकते हैं और मिक्सी में पीस भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधी किलो पत्ता गोभी लिया। और गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और दो हरी मिर्च, ये हम लोग तड़का लगाएंगे इसका। पत्ता गोभी में डालेंगे 2 चम्मच अरारोट, अगर अरारोट नहीं है तो आप चावल का आटा का भी यूज कर सकते हैं, 3 चम्मच, और 3 चम्मच मैदा। थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैं यहाँ पर हरी मिर्च का यूज कर रही हूँ। को कर लेंगे मिक्स। हमने इसमें नमक डाला है तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नमक मतलब पत्ता गोभी और नमक दोनों पानी छोड़ेंगे। अगर आपकी ड्राई हो रही है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, वो भी ढक के। मिलते हैं 5 मिनट बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, अब चेक कर लेते हैं अपने मंचूरियन का मसाला। आप देख सकते हैं कि कितना गीला हो गया है। अगर ये आपका ज्यादा गीला हो जाए तो इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं। अगर ड्राई हो तो पानी डाल के इसे इसी तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी मंचूरियंस की बॉल रेडी कर लेते हैं। इसका ज्यादा बड़ा बॉल मत बनाइएगा, छोटा ही बॉल बनाइएगा। अगर ज्यादा बड़ा बॉल बना देंगे तो ये अच्छे से सिक नहीं पाएगा अंदर से। और हम लोग इन बॉल्स को ऐसे डीप फ्राई करके भी कोई भी सॉस या टी के साथ भी खा सकते हैं, या टमाटो सॉस हो गया इनसे के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं।
हमारी सभी मंचूरियंस बॉल्स बनके रेडी है, इन्हें कर लेते हैं फ्राई। और मैंने यहाँ पर इस पे कॉर्नफ्लावर डाला जिससे कि आपस में चिपके नहीं। तो चलते हैं डीप फ्राई करने। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया, आप यहाँ पर फॉर्चून भी ले सकते हैं या फिर आपके घर में जो भी तेल यूज़ होता है वो आप ले सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें अपने सभी मंचूरियन बॉल डालेंगे। पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा तेल हो गया या नहीं, और तेल को हमेशा सिम गैस पे ही गर्म करेगा। तेल ने बबल्स दे रहे हैं साइड में, थोड़ा तेल परफेक्ट तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें अपनी सभी मंचूरियन बॉल्स को डालेंगे। सिम गैस पे ही इसमें फ्राई करेंगे। अब इनको टच नहीं करेंगे 1 से 2 मिनट तक के लिए, जब तक कि जो ऊपर का कलर है वो चेंज ना हो जाए। फिर को इन्हें डाले हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इन्हें पलट लेंगे। हमारी सभी मंचूरियंस बॉल फ्राई होके रेडी हैं। आप लोग चाहे तो इन्हें ऐसे भी टमाटो केचप से खा सकते हैं। कढ़ाई में लेना है तेल, इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को ज्यादा नहीं पकाना है, प्याज हमारा भून चुका है, इसने कलर चेंज कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। गाजर दोनों को साथ में कर देंगे और इन्हें भी ज्यादा नहीं पकाएंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक इसी स्टेज पे ऐड करना है जिससे कि हमारी सब्जी है वो अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से गल जाए। और नमक ध्यान से डालना क्योंकि हमने अपने मंचूरियन बॉल्स में भी नमक डाला था। मेरे यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च भी कुक हो चुकी है, उन्होंने भी कलर चेंज किया कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। और जो सोया सॉस कटोरी में लगा रहता है इसमें पानी ऐड करके यूज कर लेंगे। ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, रेड चिली सॉस ये भी 1 चम्मच, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, टमाटो सॉस 2 चम्मच, ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर मार्केट जैसा बना ली इसलिए मैं यहाँ पर रेड फूड कलर यूज कर ली। एक कटोरी में लेना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। ऐड करना थोड़ा सा पानी। इसमें अब ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर का पानी। देख सकते कितना सुंदर कलर आ रहा है इसमें।
5 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती, जिसमें ऐड करेंगे अपने सभी मंचूरियन बॉल। हमारी मंचूरियन बॉल्स बनके रेडी हैं, तो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे कोरिएंडर लीव्स। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।